दोस्तों मेरे पास ये डेटा है और इस डेटा में 44,000 से ज्यादा एंट्रीज है। मैं नीचे जाता हूँ कंट्रोल डाउन एरो की से, तो यहाँ पर आप देखेंगे 44,102 एंट्रीज हैं इस डेटा में। ठीक, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर फार्मूला लगा के सिर्फ लेस जो है इस आइटम का यहाँ पर टोटल लेके आना है, यानी हमने क्या करना है, सम इफ का फार्मूला लगाना है। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे अगर बड़े साइज का डाटा हो तो उस पे सम इफ या फिर काउंट इफ का फार्मूला जो है वो आसानी के साथ चंद सेकंड्स में किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से सम इफ का फार्मूला लगा के दिखाता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूं। मैं यहां पर क्या करता हूं, सम इफ का फार्मूला लगाता हूं इक्वल सम इफ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आर्गुमेंट है वो है जी रेंज। तो रेंज हमने कौन सी लेनी है जिसमें ये आइटम है, तो हम ये जो आइटम नेम वाला कॉलम है इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरी की पूरी जो रेंज है, पूरा का पूरा जो कॉलम है जहां तक डाटा है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब हमने लेना है क्राइटेरिया। अब क्योंकि क्राइटेरिया ऊपर है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लिक करके कंट्रोल अप एरो की प्रेस करता हूं तो यहां पर आ जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं लेस को। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद कॉमा फिर प्रेस करना है। तीसरा आर्गुमेंट आ गया जी हमारा सम रेंज का। तो हमने सम कहां से करना है, तो जहां से आपने सम करना है वो आपने रेंज सेलेक्ट करनी है। अगर आपने क्वांटिटी से सम करना है तो ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने प्राइस से सम करना है तो प्राइस वाली जो रेंज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहां पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करता हूं तो ये वाली रेंज भी सिलेक्ट हो जाएगी। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करनी है, इस तरह से जो लेस का टोटल है वो यहां पर आ जाएगा। ये तो है नॉर्मल तरीका जैसे हम नॉर्मल फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको मैं इसका आसान तरीका बताता हूं कि आप आसानी के साथ सिर्फ चंद सेकेंड में बड़े साइज के डाटा पर फार्मूला आसानी के साथ किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, जो आपका डाटा है उसमें किसी भी जगह पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करना है, यानी आपने क्या करना है अपने डाटा को टेबुलर फॉर्म में ले आना। ठीक है, तो जब आप कंट्रोल टी प्रेस करके ओके प्रेस करेंगे तो आपका डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर देखिये इस टेबल का नाम आ रहा है टेबल टू। ठीक है, टेबल टू नाम आ रहा है, तो आप इसका नाम कोई भी रख लें। ठीक है, फॉर्मूले में हमने क्या करना है, इस नाम को इस्तेमाल करना है, तो मैं इसका रख लेता हूँ डेटा वन। ठीक है, ये इसका नाम मैंने रख लिया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं और आप देखेंगे चंद सेकंड्स के अंदर हमें रेंज भी सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी और बड़ी आसानी के साथ हम जो है वो लेस का टोटल लेके आ जाएंगे। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल सम इफ। ठीक है, रेंज में हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला जो टेबल का नाम है वो हम सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे डाटा वन। ठीक है, ये देखें ये आ गया डाटा वन, ये टेबल हमारा पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। अब हमने इस टेबल से क्या करना है, आइटम नेम वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो लेस नाम है ये इस कॉलम में है। तो आपने क्या करना है, सिंपली बड़ी ब्रैकेट लगानी एक। तो जैसे ही बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर जितने भी कॉलम्स होंगे टेबल के अंदर वो शो हो जाएंगे। तो आपने जिस कॉलम को सिलेक्ट करना है उसको आपने डबल क्लिक कर लेना, वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया, सिंपली आपने क्राइटेरिया पर क्लिक कर देना। ठीक है, और फिर कॉमा, अब हमने क्या करना है, सम रेंज लेके आनी। तो सिंपली आप जैसे आपने पहले डाटा वन टेबल पूरा का पूरा लेके आए थे बिल्कुल वैसे ही आपने डाटा वन यहाँ पर क्या करना है, टाइप करना है। ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट लगानी। अब हमने सम कहां से लेना है, सम लेना है हमने प्राइस से। तो ये जो प्राइस वाला कॉलम है इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद सिंपली ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पर आप देखेंगे इसका जो सम है, लेस का जो सम है वो यहां पर आ चुके। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर आपके पास बड़े साइज का डाटा है तो उस पर आप टेबल फॉर्मेट में ला के जो फॉर्मूला है वो आसानी के साथ लगा सकते हैं। अब बहुत ही आसानी के साथ आपको रेंज भी सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी और चंद सेकंड में आपका फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।